ब्रिटिश सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी श्रापित फिल्म मानी गई है दोस्तों। जितने भी लोगों ने इस फिल्म को देखा है माना यह जाता है वो तो या तो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं या तो अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोस्तों ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि 70 के दशक में रिलीज हुई फिल्म एंट्रम है। जी हाँ दोस्तों, एंट्रम फिल्म की मनहूसियत को देखते हुए इस फिल्म को कम्प्लीटली पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद यानी कि सन 2018 में इस फिल्म को वापस से रिलीज किया गया। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म के साथ इतनी मनहूसियत क्यों जुड़ी हुई है? नहीं जानते होंगे तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों जिस किसी ने भी इस फिल्म को देखा है वो अपनी जान गंवा बैठा है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्क पर देखेंगे। दोस्तों जब कभी भी ये फिल्म किसी थिएटर में लगती थी उस फिल्म के स्टार्ट होने से पहले एक कंटेंट वार्निंग लिखी आती थी और क्लियर क्लियर ये लिखा रहता था कि अगर आप इस फिल्म को देख रहे हैं तो अपनी रिस्क पर देख रहे हैं, अगर फिल्म को देखते देखते आपकी जान को कुछ हो जाता है तो इसमें मेकर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। और सेम बात मैं आज आप लोगों से कहूंगा, अगर इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को देखते हुए मतलब मेरे वीडियो को देखते हुए आपको कुछ हो जाता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो बने रहिए। अगर मन में कुछ बात हो या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते तो इंस्टाग्राम में डायरेक्टली लिखकर भेज सकते। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। दोस्तों फिल्मी पर्दे पर तो ऐसी आए दिन कई फिल्में आती रहती है जिसमें शैतानों की पूजा करने के तरीके बताए जाते हैं, शैतानों को कैसे खुश किया जाता है या शैतानों को कैसे अपना बनाया जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं दिखाई जाती है। लेकिन द एंट्रम फिल्म इन फिल्मों से कुछ अलग थी। दरअसल द एंट्रम फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए थे जिसको देखने के बाद आपके दिमाग पर सीधा सीधा असर पड़ सकता था और शायद यही कारण था कि इस फिल्म को देखने के बाद काफी सारे लोगों की जान चली जाती थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस फिल्म को शुरू होने से पहले जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि कंटेंट वार्निंग लिखी आती थी कि इस फिल्म को देख रहे हैं तो आप अपनी रिस्क पर देख। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता क्योंकि इस फिल्म जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना तो इस फिल्म के रिलीजिंग के बाद काफी लोगों की जान चली गई थी। दरअसल जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो उस प्रीमियर में आग लग गई थी और उस प्रीमियर को देखने 56 लोग गए थे और वो 56 के 56 लोग एक साथ उस आग में जलकर मर गए जहां पर ये फिल्म लगी थी पहली बार। उसके बाद ये फिल्म अलग अलग तरह के 4 फिल्म फेस्टिवल्स में भेजी गई जिसमें से जो 3 फिल्म फेस्टिवल थे उससे जुड़े हुए जो जितने भी बड़े लोग थे ना उस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने वाले बड़े लोग उन सभी की एक एक करके रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और चौथे फिल्म फेस्टिवल में तो हद हो गई दोस्त, जब इस फिल्म को चौथे फिल्म फेस्टिवल में यानी सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया तो उस रिलीजिंग के दिन जितने भी लोग उस थिएटर में मौजूद थे सबके सब ये फिल्म को देखते देखते पागल हो गए, नाचने गाने लगे, अजीब सी हरकतें करने लगे। उस फिल्म फेस्टिवल में उस दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी भी वहां पर मौजूद थी, वो अपना दिमागी संतुलन इतना खो दी कि हंसते हंसते गाते गाते वो मर गई वहां पर। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म को दुनिया की सबसे ज्यादा मनहूस फिल्म का दर्जा दिया गया और इसी वजह से इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीटली पूरी तरह से पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। फिर वापस से 2018 में इस फिल्म को रिलीज किया गया, लेकिन इस फिल्म को आप देख नहीं सकते क्योंकि ये फिल्म शायद हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है और अगर अवेलेबल होगी भी तो इस फिल्म को आप आसान तरीके से डाउनलोड नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि ये फिल्म बहुत ज्यादा बुरी है और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर भारत में कई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से परिवार से, एक माँ जिसके 2 बच्चे, बच्चे मतलब कि एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है नेथन और उसकी एक बहन। दोस्तों फिल्म में ये दिखाया जाता है कि फिल्म की शुरुआत से पहले उनके परिवार में एक कुतिया थी जिसका नाम था मैगजीन और मैगजीन किसी अनजाने रीजन से मर चुकी है। नेथन फिल्म की शुरुआत से ही बहुत ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि वो अपनी कुतिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कुतिया के मौत के बाद वो अपना खाना पीना सब छोड़ चुका था, अच्छे से सोता भी नहीं था, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात थी। उसकी इसी हरकतों की वजह से उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन उसकी बड़ी बहन ये सोचती है कि क्यों ना मैं नेथन को इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करूं और उसी कोशिश में वो नेथन से आकर कहती है कि नेथन मैं हमारी कुतिया को वापस लेके आ सकती हूँ लेकिन इसके लिए हमें घने जंगल में जाना पड़ेगा जहां पर हम नर्क में जाएंगे और नर्क में जाने के बाद ही हम अपनी कुतिया को वापस वहां से लेकर आ सकते हैं। नेथन थोड़ा परेशान हो जाता है, माँ से सवाल करता है कि माँ हमारी जो कुतिया है वो मरने के बाद कहाँ गई है? तो उसकी माँ भी ना जाने क्यों ऐसा बोल देती है कि हमारी कुतिया बहुत बुरी कुतिया थी और इसी वजह से वो नर्क में गई। नेथन को इस बात की संतुष्टि मिलती है कि चलो मेरी बहन अब मेरी उस कुतिया को लाने में मेरी मदद करने वाली। कुछ ही दिन बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं और एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि वो जंगल एक सुसाइड पॉइंट है, वहां पर आकर लोग ना जाने की सुसाइड करते हैं अपनी जिंदगी से थक हार कर। जैसे उस जंगल के एंट्री बोर्ड में वो लोग देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर सुसाइड करना मना है।
पर हैरानी वाली बात यह है कि जितने लोग हैं वहां पर सुसाइड करते थे दोस्तों, वो लोग उस जंगल में घुस जाते हैं। जंगल में घुसने के बाद वहां पर एक लिखा रहता है, वहां पर एक प्रोसेस होती है कि अगर आपको किसी की आत्मा से मिलना है तो आप यहां पर मिल सकते हैं, जंगल के जरिए मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर आने के लिए, उस आत्मा से मिलने के लिए आपको अपनी एक सबसे कीमती चीज बलि देनी होगी। दोस्तों बलि देने के लिए नेथन अपनी उस कुतिया के गले का पट्टा लेकर आता है। प्रक्रिया को उसकी बड़ी बहन स्टार्ट करती है और नेथन अपनी कुतिया का वो जो गले का पट्टा है वो वहां पर अर्पित कर देता है दोस्तों। और इसके बाद वो लोग पांच तरह के अलग अलग देवी देवता लेके आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी धर्म होते हैं उनके वो अलग अलग तरह की पांच मूर्तियां लेकर आते हैं और उन पांचों देवी देवताओं की मूर्तियों को एक घेरे में लगा देते हैं, उससे एक सार वाला धागा बांधते हैं और उस धागे के बीचों बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद से वो वहां पर एक खड्डा खोदने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे वो लोग खड्डा क्यों खोदते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लोग खड्डा इसलिए खोदते हैं क्योंकि माना जाता है उस जंगल में कि इस जंगल में गड्ढे खोदने के बाद आपको पांच लेयर्स मिलेगी और वो पांचों लेयर्स क्रॉस करने के बाद आप सीधे सीधे नर्क में पहुंच सकते हैं। वो जंगल नर्क का दरवाजा था। इस फिल्म में कई बार 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 एक ऐसे शैतान को दिखाया गया था जिसका आधा शरीर बकरे का, मतलब उसका जो गला था, मतलब जो सर था वो बकरे का था और बाकी की पूरी बॉडी वो थी इंसान की। माना जाता है कि जितने भी शैतानिक रीजन को मानने वाले लोग होते हैं इसी जीव की पूजा करते हैं और इसका नाम है बैफोमेट। बैफोमेट कहता है कि मैं ईश्वर भी हूं और मैं शैतान भी हूं, जैसा स्वर्ग है वैसा ही नर्क भी है। और जो लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं वो लोग बैफोमेट की पूजा करते हैं। इस फिल्म में कई बार बैफोमेट को दिखाया गया। दरअसल आवाज आते हैं उस फिल्म की कहानी पर। वो लोग गड्ढा खोदना शुरू करते हैं और सबसे पहले वो पहले लेयर पर पहुंचते हैं। जब वो पहली लेयर पर पहुंचते हैं तो उन्हें अपने इर्द गिर्द कुछ काली परछाई से दिखाई देने लगती है। वो लोग थोड़े परेशान होते हैं और फिर गड्ढे से वापस निकलकर अपने टेंट में चले जाते हैं। फिर सोचते हैं कि हमें टेंट में आए हुए काफी टाइम हो गया, हमें एक और गड्ढे खोदने की शुरुआत कर देनी चाहिए। वो वापस से उस जगह पर पहुंचते हैं और फिर और गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। जब वो और गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं तो उन्हें एक पेड़ मिलता है, मतलब गड्ढा जैसे खोदते जाते हैं तो उनके नीचे एक दुनिया बनती जाती है। तो जहां पर है वहां पर एक पेड़ है, अभी जहां पहुंचे वहां पर एक पेड़ दिखा है और पेड़ में टिक के एक स्केलेटन लेटा हुआ है, जिसे ये साफ साफ समझ में आता है कि कोई आदमी वहां पर आया था और अपना सुसाइड वहां पर किया था और सड़ सड़कर उसकी बॉडी पूरी स्केलेटन बन चुकी है, मतलब एक कंकाल बन चुकी है। जब वो नेथन उस कंकाल को ध्यान से देख रहा होता है तो उस पेड़ के पीछे उसे काली परछाई दिखाई देती है, जिसके कारण नेथन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी बहन का हाथ पकड़कर उस टेंट में वापस घुस जाता है। खाना पीना खाकर वो लोग वापस से वहां पर खुदाई करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन क्या पाते हैं कि शाम हो चुकी है। वो लोग वापस से अपने उस टेंट में चले जाते हैं। जब नेथन को नींद आने ही वाली होती है तो उसकी जो बड़ी बहन है उससे कहती है कि नेथन तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, तुम उठकर ब्रश कर लो। जब नेथन ये मना करता है कि मैं अभी ब्रश नहीं करना चाहता तो उसकी बहन उसको एक तीन सर वाले कुत्ते के बारे में बताती है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि सेरेब्रस नाम का एक ऐसा तीन सर वाला कुत्ता होता है जो कि नर्क के दरवाजे का पहरेदार होता है। वो ये बताती है कि ये जो सेरेब्रस होता है इसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है तो कहीं वो इसी वजह से तुम्हारे पास आकर तुम्हें खाना ले। तो नेथन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और टेंट के थोड़ा बाहर निकलकर वो ब्रश करने लगता है। जब वो ब्रश कर रहा होता है तो उसे सामने वाली नदी में एक नाव दिखाई देती है, जिस नाव में एक अजीब सी औरत बैठी हुई है जो दो लाशों को नाव में लेकर कहीं और जा रही है। नेथन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और आकर तुरंत सो जाता है। जब नेथन आकर सोता है तो उसे दिखाई देता है सपने में कि दो डेविल्स जो कि नर्क से निकले हैं वो इंसानी कपड़े पहन लेते हैं, मतलब इंसानों की जो स्किन होती है उसको पहन लेते हैं और एक गांव में रहने लगते। उस गांव में जो दो डेविल्स हैं वो बैफोमेट की पूजा करते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। अगले दिन वो वापस से खुदाई शुरू करते हैं और खुदाई करने के बाद वो क्या पाते हैं कि वो एक गांव में पहुंच गए, जिस गांव में वही दो लोग उसे दिखाई देते हैं जो उसे पिछली रात को सपने में दिखाई दिए थे और वही बैफोमेट दिखाई देता है जो उसे सपने में दिखाई दिया था कि वो दो डेविल्स उसकी पूजा कर रहे थे। वो वहां पर ये देखते हैं कि वो दो लोगों ने बैफोमेट के नीचे आग लगा दिए है और फिर वहां पर आग लगाने के बाद वहां पर वो नाच कूद रहे हैं और वो वहां पर साइड में देखते हैं दोनों बच्चे कि एक सफेद सा टेडी बियर पड़ा हुआ है जिसके टेडी बियर में खून लगा हुआ है। उसकी बड़ी बहन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वो नेथन का हाथ पकड़ती है और भागते हुए वापस से टेंट में चली जाती है। कहानी इसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ती है और फिर ये दिखाया जाता है कि उनके टेंट के पास वही काली आकृतियां आ गई है जो नेथन बार बार देख रहा था पेड़ों के पीछे या सपने में। थोड़ा सा घबराने के बाद वो लोग ये भी देखते हैं कि उनके टेंट के पास वही दो डेविल्स भी आ गए हैं जो उस गांव में, उस सुनसान गांव में बैफोमेट को जला रहे थे और वहां पर नाच गा रहे थे जहां पर वही खूनी टेडी बियर पड़ा हुआ था। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उतने में क्या पाते हैं कि वो दोनों डेविल्स उनके टेंट के पास पहुंच गए हैं और वो लोग खींचते हुए दोनों भाई बहनों को अपने उस गांव में लेकर चले जाते हैं। उस हाथापाई के दौरान नेथन की जो बड़ी बहन है वो बेहोश हो जाती है और फिर उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं।
और नेथन को वो बैफमेट के अंदर डाल देते हैं और नीचे से आग लगा देते हैं। जैसे उसकी बड़ी बहन को होश आता है तो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, छुड़ाने के लिए वो बार बार पिंजरे में लात मारती है जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाती है। जैसे वो बाहर निकलती है तो उसे वहां पर पड़ी हुई एक बंदूक मिलती है जिसे उठाकर वो दोनों डेविल्स के ऊपर शूट कर देती है जिसकी वजह से वो लोग जमीन पर गिर जाते हैं। वो भागते हुए जाती है और नेथन को उस बैफमेट के पेट के अंदर से बाहर निकल जाती है। दरअसल जो बैफमेट था वो एक तरह का पुतला था, उसके पेट से बाहर निकाल लेती है। वो लोग भागते हुए अपने टेंट पर वापस पहुंच जाते हैं। इसी तरह से कहानी और भी आगे बढ़ती है और वो लोग नर्क के आखिरी लेयर पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग नर्क के बिल्कुल पास पहुंचने वाले होते हैं तो नर्क की तरफ से अंदर से उनको एक अजब तरीके की आवाज आने लगती है। नेथन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसकी बड़ी बहन भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। घबराने के कारण से उसकी बड़ी बहन भागते हुए टेंट की तरफ चली जाती है और नेथन ज्यादा तेजी से नहीं भागता है, थोड़ी आगे भागता है और कैमरे की तरफ देखकर एक बार स्माइल कर देता है। इस वक्त नेथन का पूरा शरीर काला पड़ चुका था। दरअसल जब उसे बैफमेट के पेट में डाला गया था और आग लगा दी गई थी तो इस वजह से वो पूरा काला पड़ गया था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि फिल्म द एंड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर फिल्म द एंड नहीं होती। दिखाया जाता है कि फिल्म अभी भी 10 मिनट की बाकी है और अभी जितनी भी काली परछाइयां हैं वो उसकी तरफ भागती हुई आ रही है, बहन की तरफ, और नेथन ना जाने कहां पर गुम। थोड़ी आगे नेथन बढ़ता है और वो जो उसे सेरेब्रस था, जो 3 सर वाला कुत्ता, उसकी जंजीर मिलती है और वो उसे उठाकर अपने टेंट की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी बड़ी बहन अभी भी टेंट के अंदर छुपी हुई है। उसकी बड़ी बहन को यह लगता है कि मेरे पीछे डेविल्स आ रहे हैं तो अपना गन उठाती है और सीधे बाहर देखे बिना बंदूक को बाहर निकालकर शूट कर देती है और यहीं पर कहानी को बंद कर दिया जाता है, फिल्म एंड हो जाता है। लेकिन वापस से फिल्म फिर से खुलती है और दिखाया ये जाता है कि एक कपल, एक आदमी एक औरत, जिनके हाथ में एक एप्पल है, वो बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, एक जगह पर बंधे हुए खड़े हैं और कोई उन्हें आता है शूट कर देता है। शूट करने के तुरंत बाद हमें स्क्रीन पर एक डेविल दिखाई देता है जो हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है। आप लोगों को क्या समझ में आया? जो डेविल आखिरी में दिखाई दिया था वो कोई और नहीं बल्कि शैतानों का राजा लूसीफर भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों लास्ट में जो एक कपल दिखाया गया था वो कोई और नहीं, एडम और ईवी थे जिनके हाथों में एप्पल था। उसने ये बताया था कि जब ईश्वर ने एडम और ईव को बनाया उसे शैतान ने मार डाला, अब इस दुनिया का क्या होगा। दरअसल इस पूरी फिल्म में 117 बार एक ऐसे साइन को दिखाया गया था जिसको एस्ट्रोट का साइन बोला जाता है। एस्ट्रोट का साइन बोला जाता है दोस्तों, एस्ट्रोट कोई और नहीं बल्कि नर्क का सेकंड राजा माना जाता है। लूसीफर के बाद माना जाता है कि एस्ट्रोट ही सबसे खतरनाक शैतान होता है। ये ड्रैगन की सवारी करता है और बहुत ज्यादा खौफनाक दिखता है। ये किसी को देखने के बाद उसकी जान तुरंत कुछ ही पलों में ले सकता है। इस फिल्म में टेंट की बात करें तो टेंट हमेशा ट्रायंगल शेप का दिखाया गया है। इस फिल्म में ना जाने कितनी बार ट्रायंगल शेप दिखाया दिया है। दोस्तों ये ट्रायंगल साइन कुछ और नहीं बल्कि सीधे सीधे इल्यूमिनाटी को डिनोट करता है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि इल्यूमिनाटी क्या होता है? नहीं जानते हैं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जान जाएंगे कि इल्यूमिनाटी क्या होता है, मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के श्रापित होने के रीजन की। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म में 117 बार, जैसा कि मैंने अभी बताया, 117 बार ये जो एस्ट्रोट का साइन है वो दिखाया गया, बार बार ट्रायंगल दिखाया गया, बैफोमेट, लूसीफर और ना जाने कौन से सेरेब्रस, ऐसे ऐसे शैतानों को बार बार दिखाया गया था। और शायद इसी वजह से इस फिल्म में श्राप लग गया होगा और इसी वजह से जो कोई भी इस फिल्म को देखा उसने अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने से पहले एक बार नहीं 50 बार सोच लें, और 50 बार सोच चुके हैं ना तो इस फिल्म को प्लीज अकेले देखिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी के अभी ऐसे लोगों के साथ जिनको ना इस तरह की फिल्म देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जिनको इस तरह की चीजों के साथ खिलवाड़ करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जिसको शायद ये समझ में आ जाए कि यार ऐसी फिल्मों के साथ खिलवाड़ करने से या फिर ऐसी श्रापित चीजों में खिलवाड़ करने से ना आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके साथ नहीं हुई तो आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उसके साथ हो जाएगी। तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह की खौफनाक हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों के पास डेली लेकर आता हूं, जिसको देखकर आपका मनोरंजन तो होता ही है साथ ही साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है एक डर के साथ, जो आपको दूसरे किसी भी चैनल में नहीं मिलेगी। दोस्तों जाते जाते बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर रात 9 बजे तो आता ही हूं, लेकिन कभी टाइम ऊपर नीचे हो गया तो और मैं आ गया तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। मन में कुछ भी चीज आती है जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं ना, तो वो टॉपिक आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। मैं बार बार बताता हूं, मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, बस वहां पर क्लिक करो और बहुत जाओ डायरेक्टली मेरे पास, वहां पर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ, आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे एक सिल्वर बटन मिल चुकी है,
तो दोस्तों मैं तैयारी कर रहा हूँ सिल्वर बटन की अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं अपना एक लाइफ की जो जर्नी रही है, मेरी यूट्यूब की जर्नी रही है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए आप वो मेरा वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक्स तो मिलेंगे। तो 10,000 लाइक्स अगर मुझे इस वीडियो में मिल गए तो मैं अपनी सिल्वर बटन के साथ अपनी जर्नी को पूरा एक्सप्लोर करके आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो 10,000 लाइक ठोको और कल फिर से मिलो। चलो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।